हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंट जंक्शन पानीपत में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सीलर की भराई, प्यू सीलर की भराई वीनियर के फ्लश डोर पर किस प्रकार की जाती है। ये देखिए, हमने इस पर जो है सीलर लगाया हुआ है। ये फर्स्ट कोट प्यू सीलर है, ये देखिए। स्टार्टिंग हम इसकी करेंगे दोस्तों 150 नंबर के वाटरप्रूफ रेगमार से। ये 150 नंबर रेगमार हमने ले लिया दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमने जो है टीक प्लाई पर जो ये वीनियर लगा हुआ है फ्लश डोर पर, इसे सबसे पहले हमने जो है दोस्तों कील अंदर करके जो है वुड फिलर से डबल रिपेयर करके जो है इसको जो है हमने अच्छे से रेगमार लगा लेना है। इसमें मैंने कील दबाते हुए नहीं दिखाया है, ना ही वुड फिलर की रिपेयरिंग करते हुए दिखाया है। इसमें मैं केवल आपको जो है सफाई करते हुए वीनियर की वो दिखा रहा हूँ। रेगमार से जो है वुड फिलर को अच्छे से हमने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि रेशा इसमें नज़र आ रहा है ठीक से। बाकी रेशा जो है दोस्तों अभी हम इस पर जब स्टेनर अप्लाई करेंगे तब दिखाएंगे। अभी हमने ग्रूव को अच्छे से रेगमार से साफ कर लिया है प्लाई को। ये देखिए दोस्तों, जो है लाइट वॉलनट की स्टेनर है अस्त्रा कंपनी की। ये देखिए, हमने जो है इसको 100 ग्राम हमने स्टेनर ले लिया है, तो 100 ग्राम इसमें हम प्यू थिनर ऐड कर लेंगे, जिससे कि दोस्तों हमारे जो है प्लाई पर जो है धब्बे नहीं आएंगे और सीलर एकदम जो है फ्रेश नज़र आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये दो तरह के कपड़े हैं, मलमल का कपड़ा है। ये देखिए, हमने जो है सबसे पहले ग्रुपों में कलर लगाना है दोस्तों, ताकि जो है ग्रुपों में से अगर जो कुछ बची खुची मिट्टी होगी तो वो भी निकल जाएगी, और दूसरी जो है ये कलर भी अच्छे से हो जाएंगे ग्रुप, क्योंकि सीलर पड़ने के बाद भी कलर सेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक हाथ जो है इसमें जो है कलर का लगाना ज़रूरी होता है। जी देखिए, विनर का रेशा अब आपको साफ नज़र आएगा। पहले हम इसके ग्रूव को जो है ब्राउन कर दे रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार से जो है दोस्तों हमने जो है पहले ग्रूव को लगा लेना है, ताकि जब हम प्लाई पर गद्दी लगाएंगे वॉलनट स्टेनर की, उस पर जो है धब्बे नहीं आएंगे किसी भी तरह के, वो जो है स्टेनर के धब्बे जो है साफ हो जाएंगे इसमें प्लाई पर, और प्लाई बिल्कुल क्लीन नज़र आएगी, आगे आपको पता लगेगा। ये देखिए, इस प्रकार से जो है हमने गद्दी चलानी है इस पल्ले पर। ये देखिए, रेशा हमें बिल्कुल साफ दिखाई देने लग गया है। ऐसा ही हमें सीलर डलने के बाद भी ऐसा ही रेशा नज़र आएगा। ये देखिए, इस प्रकार से अगर हमें नेचुरल पॉलिश करनी है तो हम इसमें जो है कलर नहीं सेट करेंगे, और सीधा इस पर जो है सीलर डाल के दो दो कोट, और उस पर ग्लोस या मैट अपने हिसाब से हम फिनिशिंग ले आएंगे। ये देखिए दोस्तों, जो हमने ग्रूव के बाद जो इस पर थोड़े बहुत धब्बे आए थे, वो अब जो स्टेनर लगाया जा रहा है उससे जो है सारी की सारी धब्बे जो है क्लीन हो गए हैं, और सारा कलर एक सा लगने लगा है। ज़्यादा सफाई दोस्तों अब जब आप सीलर डालेंगे इस पर तब आपको नज़र आएगी। इस वीडियो का मेन मकसद आपको जो है स्टेनर अप्लाई करते हुए भी दिखाना है, क्योंकि सीलर लगाने से पहले हमें स्टेनर को जो अप्लाई करते हैं उसमें कहीं आप भाई लोग कंप्लेंट करते हैं कि उसमें धब्बे आ जाते हैं और सफाई नहीं आ पाती, तो देख लीजिए इस प्रकार शांति से आप वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि पहले हमने ग्रूव लगाए हैं उसके बाद में पूरी वीनियर पर कलर का एक हाथ लगाया है। इससे दोस्तों जो है रिपेयरिंग और जो रेशा है वो अच्छे से निकल आएगा। ये देखिए,
इस प्रकार जो हमने इसे पतला करके स्टेनर को पूरे दरवाजे पर लगा दिया है। अब दोस्तों देखिए पीयू क्लियर सीलर है, ये देखिए दोस्तों ये 25 लीटर सीलर होता है और 12.5 लीटर इसके हाथ हार्डनर होता है। तो हमने जो अगर 1 लीटर सीलर बनाना है तो उसमें 0.5 लीटर हार्डनर डलेगा। ये सीलर है 1 लीटर, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें हमने 0.5 लीटर हार्डनर डालना है और 0.5 लीटर पीयू थिनर मिलाना है। ये देखिए इस प्रकार से जो है 12.5 लीटर हार्डनर होता है। ये हार्डनर दोस्तों क्लियर होता है सीलर, जबकि आपको थोड़ा थोड़ा येलो येलो सा लगेगा। ये देखिए बिल्कुल पानी जैसा होता है हार्डनर। इसका मेन काम दोस्तों इस हार्डनर को जो है जल्दी से सुखा देना होता है सीलर को। अगर इसमें हम ये नहीं डालेंगे तो आपका सीलर जो है वो सूखेगा नहीं और जिस पर आप रेगमार भी नहीं मार पाएंगे, वो गीला गीला ही रहेगा। और इसमें दोस्तों हमने पीयू थिनर मिलाना है ज़रूर, इसमें एनसी और मेलामाइन थिनर का प्रयोग नहीं होगा, इसमें पीयू पॉलिश में पीयू थिनर का ही प्रयोग होता है। ये देखिए बनाने के बाद दोस्तों जो है हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। एक लकड़ी के डंडे से हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। इसे लगाने से पहले दोस्तों अपनी गन को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और उस पर जो है एक मलमल का कपड़ा बांध लेना चाहिए ताकि जो कचरा वगैरह होता है सीलर की जो अंदर, वो जो है इसमें ऊपर ही रह जाता है, वो गन में जाकर नहीं फंसता। ये देखिए इस प्रकार से हमने जो है एक जालीदार कपड़ा अपनी गन के ऊपर लगा लिया है। और दोस्तों अगर आप नए हैं पॉलिश करने वाले तो अपने मुंह को जो है मास्क या कपड़े से अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है सांस के द्वारा हमारे अंदर भी जाता है। ये देखिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे भी आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये देखिए हमने फर्स्ट कोट जो है इसमें सीधे सीधे लगा दिया है। इस प्रकार दोस्तों हम इसमें 3 से 4 हाथ इस पर सीलर का लगाएंगे। सीलर को देखिए दोस्तों कहीं से छोड़ छोड़ के नहीं लगाना है, शांति से जो है बढ़िया से सीलर लगाना है इस पर, कहीं से भी छूटने नहीं चाहिए, नहीं तो आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे ग्रूव हैं, उसमें भी माल प्रॉपर चले जाना चाहिए। इस वीडियो को जो है डिटेल में बनाने का मतलब यही है कि आप लोगों के सवाल जो होते हैं वो मैं वीडियो के द्वारा ही आपको दिखा कर ही आपको आंसर दे रहा हूँ। ये देखिए इस प्रकार से जो है हमने सीलर को अप्लाई करना है ताकि जो ग्रूव में भी मटेरियल पूरा जाए, अच्छे से जो है सीलर की भराई इसमें हो पाए लकड़ी में। ये जो वीनियर का रेशा है इसी से फर्स्ट कोट सीलर के बाद ही हमें इस पर रेगमाल लगाना है। ये देखिए दूसरा कोट जो है हमने उल्टी दिशा से लगाया है, इसी प्रकार क्रिस क्रॉस से हमने जो है इस पर सीलर अप्लाई करना है। ये देखिए हमने पहला हाथ सीधा लगाया था, अब दूसरा हाथ हमने इस पर खड़ा लगाया है। इस प्रकार जो है इसकी नसें जो है अच्छे से बढ़ने लगेंगी। सीलर के दोस्तों जो है हम एक कोट लगाने में, एक कोट जिसे हम कह देते हैं सीलर का, उसमें हम 3 से 4 हाथ 5 हाथ भी लगा देते हैं, वो वीनियर के रेशे पर डिपेंड करता है। ये देखिए इस प्रकार जो है कुछ कुछ इसमें चमक आने लगी है जहाँ जहाँ पर सीलर पड़ रहा है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। अभी जब इस पर 3-4 हाथ डल जाएंगे तो ये अच्छे से रेशा इसका चमकने लगेगा और फिर हम जो है इस पर
रेगमा लगाएंगे जब वो सीलर सूख जाएगा। सीलर को सूखने के लिए कम से कम दोस्तों 4 से 6 घंटे का समय देना चाहिए, जिससे कि उस पर बढ़िया रेगमार चले और सैंडिंग प्रॉपर हो पाए, तभी हमें अगला कोट इस कर अप्लाई करना है। ये देखिए दोस्तों जो है इसमें अब 3 हाथ लगने के बाद जो है 3-4 हाथ लगने के बाद इसमें जो है ऐसी फिनिशिंग आने लगी है, रेशा भी इसमें जो है प्रॉपर निकल गया है वीनियर हमारी। ये देखिए हमने दोस्तों जो है स्टैंड बनाया हुआ है, इस पर हम 3-4-5 पल्ले रखकर जो है इकट्ठे सीलर की भराई कर रहे हैं, क्योंकि एक एक पल्ला एक एक दरवाज़ा जो है अगर हम पूरी करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए हमने 4-5 पल्ले जो है इकट्ठे बेस बनाकर जो है इस प्रकार से सीलर डाला जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूँगा।